को घर घुसकर झाड़ू जो बोला उसे झाड़ू से मारते हैं। ऑल ओवर कर्नाटक में हर पुलिस स्टेशन में मणिकंठ राठौर एक माफिया की डान है और ये रेस फूड का फूड चोर है बोल के उनका बहुत सारे ईसी एक्ट में केस तो फाइल हुए हैं। आंदोलन स्वामी तो इनको आगे रखकर ये जो नाटक कर रहे हैं ये बहुत दिन नहीं चलेगा। और ये भी बोल रहे हैं हम अभी आंदोलन स्वामी के ऊपर, आंदोलन जो है वो भगवा, ये भगवादारी के ऊपर भी 10-15 केसेस है। ये स्वामी को ऊपर रवड़ी शीट ओपन करवा दे। ये स्वामी बोलता है कि गुलबर्गा में ये किया तो हम वो करता है, ये मेरा लक्ष्मण। अरे यार स्वामी तेरे को मालूम है हम क्या है बोल के। उस फूड सप्लायर जो चोर सप्लायर है ये मणिकंठ राठौड़, तेरे को तो आंदोलन स्वामी जैसे स्वामी तेरे आगे करके तेरा लाइफ बर्बाद कर रहे। ये तो इस मणिकंठ राठौड़ पहले बात करता था प्रियंका खड़गे साहब के और मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कांग्रेस लीडर को लोगों के खिलाफ कुछ बोलते थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम अभी आज गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने है। अभी नया पुलिस कमिश्नर भी यहाँ अभी ज्वाइन हो गया, हमारा जो डॉक्टर वाईएस रवि कुमार सर, उसने जो नया ऑफिसर है उनको चार्ज देकर जस्ट गया। अभी हमने जो डॉक्टर वाईएस रवि कुमार सर को बेस्ट ऑफ लक बोले और बढ़िया से भी उसने यहाँ गुलबर्गा में काम किया। तो मैंने आपको एक इशू के बारे में जो बात करने के लिए बुलाया था, आप सबको मालूम है जो गुलबर्गा में या कर्नाटक में दलित सेना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, माननीय रामविलास पासवान जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापना किया उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं स्टेट प्रेसिडेंट सालों से हूँ, तीन चार बार मैंने स्टेट प्रेसिडेंट बना हूँ और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है फूड मिनिस्टर पशुपत कुमार पारस साहब जी ने, हमने यहाँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एंड हैदराबाद कर्नाटक रीजन में दलित सेना की जो स्ट्रेंथ है हमने जो ये एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है। यहाँ गुलबर्गा में या बीदर, रायचूर, बीजापुर, यादगिरी, ये कुछ जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन जो आता जो फूड माफिया के खिलाफ जो मैंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी साहब का उसी इलाके का स्टेट कंसल्टेंट कमेटी मेंबर था मैंने और मुझे मालूम है कि फूड माफिया कैसा काम करता है यहाँ कर्नाटक में बोल के और स्पेशल गुलबर्गा में। तो फूड माफिया के जो क्रिमिनल्स है उन लोगों को बहुत सारे जो इलीगल जो राइस जो रेशन जो मिलता राइस राइस फूड वो जो सप्लाई करता था बहुत सारे लारी को पकड़ा कर हमने उनका केस भी करवाए थे, उनके बारे में बहुत सारे एजिटेशंस हो गया, बहुत सब कुछ हमने किया है। उसमें जो वहाँ की जो डान बोलकर अभी थोड़ा जो उभर आ रहे हैं वो मणिकंठ राठौड़ बोल के, उसने तो मणिकंठ राठौड़ ने जो उनके ऊपर मैंने 38 मैं कल आपको पूरा डिटेल लेकर आता हूँ, कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, 38 केसेस उनके ऊपर है। यहाँ खाली गुलबर्गा नहीं है, ऑल ओवर कर्नाटक में हर पुलिस स्टेशन में मणिकंठ राठौड़ एक माफिया की डान है और ये रेस फूड का फूड चोर है बोल के उनका बहुत सारे ईसी एक्ट में केस तो फाइल हुए हैं, हमें मालूम है। इसके बारे में हमने पूरा ऑल ओवर जो स्टेट गवर्नमेंट को हमने नॉलेज लाने की कोशिश किया, होम मिनिस्टर के नॉलेज में लाए हमने, डीजी एंड एडीजी साहब को नॉलेज में लाए हमने और हमने डिमांड की थी कि इनको इमीडिएट अरेस्ट करना, गुंडा तो पहला ही है ही वो, रवड़ी शीटर तो पहला ही है ही वो। यहाँ तो इनका जो आस्थान है ये यादगिरी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा तांडा में रहता है, तो तांडा के अगल बगल में जो फूड यादगिरी के जो बीजापुर को फूड वहाँ ला कर वहाँ से सप्लाई करते बोल के सब मालूम है। तो हमने इनका जो चेन सिस्टम तो ब्रेक करने की मैक्सिमम कोशिश किए थे और इनके ऊपर और जो गुंडागर्दी, हाफ मर्डर कोशिश और चोरी ऐसे केसेस में इनके ऊपर जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले जो कमिश्नर पुलिस साहब कमिश्नर डॉक्टर वाईएस रवि कुमार साहब थे उसने तड़ी पार के लिए ऑर्डर भी किया, तड़ी पार ऑर्डर भी गया, उसने मणिकंठ राठौड़ स्टे लेकर अभी बाहर है। इस मणिकंठ राठौड़ पहले बात करता था
प्रियंक खड़गे साहब के और मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कांग्रेस लीडर को लोगों के खिलाफ कुछ बोलते थे। हमारे बारे में एक दो बार उसने मीडिया में आकर बहुत गंदी गंदी बात बोले और बहुत इंसल्टिव अबूज वर्ड भी उसने बोला कि उनका दिमाग है, उनका हैसियत के हिसाब से उसने बात किया, बहुत सारे गंदी गंदी बात किए, हमने चुप रहे थे। अब कल या परसों कुछ हमने सोशल मीडिया में हमारे रायचूर के कुछ फ्रेंड्स फोन करके बताया कि इस ये जो फूड माफिया के चोर है, जो गरीब लोगों के जो कर्नाटक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो सप्लाई करता फूड, उस फूड सप्लायर जो चोर सप्लायर है ये मणिकंठ राठौड़ ए जे सदाशिव जो रिटायर्ड जस्टिस, उसने एक कमीशन बनाया था। कमीशन के हिसाब से ए जे सदस्य वर्दी इम्प्लीमेंट जो कमीशन रिपोर्ट है इम्प्लीमेंट करो बोल के सालों से हमारे दलित के जो लेफ्ट एंड राइट बोलते होले मादिक बोलते बहुत सारे लोग सालों से स्ट्राइक करते बैठे हैं। हर जिले में जो स्ट्राइक करे जो सरकार जो इम्प्लीमेंट किए करोड़ों रुपये खर्च करवा के आपने सारा ए जे सदस्य आयोग रिपोर्ट ने जो तैयार किया वो तैयार इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिट करने के लिए करो बोल के हमारे लोग हमारे भाई लोग जो दिन रात धरना प्रोसेसन कर रहे हैं, उस लोगों को इस ये जो मणिकंठ राठौड़ एक चोर है, इस चोर ने बोलता हमारे पास झाड़ू है, हम उस झाड़ू से मारने का तरीका मालूम है, अगर हम बाहर आते तो हम एकट होते तो तुमको भागना पड़ेगा, तुम आउट देश छोड़कर भागना पड़ेगा बोल के उसने एक स्टेटमेंट दिया है। अब उसको उस मणिकंठ राठौड़ को इस चोर को हम अभी बोलना चाहते हैं, ये जो झाड़ू लेकर आके जो वही बोलने आए थे हमने, उसको घर घुसकर झाड़ू जो बोला उसे झाड़ू से मारते वही बात बोलने के लिए हमने पुलिस कमिश्नर ऑफिस आया इधर, इसका बहुत हो गया। अभी ये तड़ी पा रहे, आपने जो ऑर्डर किया पुलिस कमिश्नर तड़ी पार के लिए ऑर्डर किया, ये जो चोर है, ये जो रवड़ी है, ये जो डकैत है, जो इसको जो तड़ी पर ऑर्डर हो गया हाईकोर्ट में स्टे लेकर आया, स्टे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका स्टे वैकेंट करवा दो आप। ये बोलता है कि ये लोग चोर है, ब्लैकमेलर है, अरे साले तेरे को क्या मालूम है, बोलते हैं ना तेरे बाबा साहब अंबेडकर आने के बाद सुधर गए तुमने, एससी में यही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित के लीडर लोग तेरे लंबाणी को एससी में ले लिया, इतना तो याद रखो, तू अक्कल है तेरे को, बहुत सारे लंबाणी में भी प्रोफेसर से लेक्चर से बुद्धिमान लोग है, बहुत सारे बाबा साहब अंबेडकर मानने वाले लोग है, इज्जत करने वाले लोग है, तेरे को तो आंदोलन स्वामी जैसे स्वामी तेरे आगे करके तेरा लाइफ बर्बाद कर रहे, ये तो इसको तो मालूम होना चाहिए, आंदोलन स्वामी तो इनको आगे रखकर ये जो नाटक कर रहे ये बहुत दिन नहीं चलेगा। और ये भी बोल रहे हम अभी आंदोलन स्वामी के ऊपर आंदोलन है वो भगवा, ये भगवादारी के ऊपर भी 10-15 केसेस है उनका ऊपर भी, उनका आंदोलन स्वामी के ऊपर भी, ये तो इनका गुरु मणिकंठ राठौड़ गुरु है, उनके ऊपर भी हमने यही बोलने आए पुलिस कमिश्नर डीसी साहब को, उस स्वामी के ऊपर भी अभी रवड़ी शीट ओपन होना है, क्योंकि कतरनाड 7 with 324 केस होता तो गरीब लोगों के ऊपर इमिडिएटली आप रवड़ी शीट ओपन किया आपने, इनका तो ऊपर तो लगभग 15 केसेस है, मेरे पास रिपोर्ट है, ये स्वामी को ऊपर रवड़ी शीट ओपन करवा दे। ये स्वामी बोलता है कि गुलबर्गा में ये किया तो हम वो करता है, ये मेरा लक्ष्मण, अरे यार स्वामी तेरे को मालूम है हम क्या है बोल के, तू तो ये स्वामी के पास इतना हिम्मत है तो तेरा भगवादारी को लेकर आओ स्वामी जी, ये हमारे दलित बच्चों को लेकर मणिकंठ राठौड़ से गद्दार लोगों को लेकर आके तू नाटक करवाता है ना, तो ये छोड़ दो, ये नहीं चलने वाले है। तो यही हमने बात करने के लिए पुलिस कमिश्नर जो नया पुलिस कमिश्नर साहब आया जो कोर्ट में हाईकोर्ट में उसमें मणिकंठ राठौड़ ने स्टे लेकर आया तड़ी पार के लिए, उस तड़ी पार आदमी को इमिडिएटली जो ऑर्डर जो हाईकोर्ट से वैकेंट करवाना स्टे और उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको यहाँ से भगा देना है। जो गरीबों के जो राइस आता है चोरी करके जो आउट ऑफ कंट्री जो मेरे आउट ऑफ स्टेट को सेल करके तो जिंदा तेरे बाप जो इंडस्ट्रियल था मणिकंठ राठौड़ टाटा फिर रहा था तेरे बाप ने, इतना पैसा कमाए कहाँ से आए तेरे पास, यही है चोरी के पैसा है ना तेरे पास। ये बीजेपी वालों को समझना चाहिए, ये मणिकंठ राठौड़ से जो बीजेपी का नाम भी बदनाम हो रहा है,
बीजेपी यहाँ गुलबर्गा में हम बहुत सारे बीजेपी फ्रेंड्स है, बहुत सारे लीडर के साथ हमारे अच्छे संबंध है। हमने उस बीजेपी लीडर को हम बोलना चाह रहे हैं कि इस मणिकंठ राठौड़ के नाम से हमने उस जितना भी सिंगल वर्ड से मणिकंठ अपना खरगे एंड कंपनी के खरगे साहब एंड प्रियंका खरगे साहब के बारे में उसने बहुत 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 गंदे गंदे बात बोले से हम चुप है। अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। बीजेपी वाले टिकट दे उसको, बीजेपी का जो टिकट का जो सपना देख रहा ना ग्राम पंचायत मेंबर बन कर दिखाओ, बोलो उनको काय का बीजेपी एमएलए का सपना देखता हो, वो एक चोर को कोई वोट डालता। खाली बीजेपी के लोग कुछ आंदोलन स्वामी जैसे लोग आगे करवा के उसको हाईलाइट करवा रहे, और बीजेपी के बोलने वाला ऐसा गद्दा गंदे गंदे बात बोलने वाला कोई नहीं है। ये तो है मिले क्रिमिनल, ये क्रिमिनल के सामने लेकर रख कर ये लोग ऐसा ऐसा नाटक करके इनको पहले पंचायत में ये मणिकंठ राठौर को पंचायत इलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट कर जीत कर आने के लिए बोल दीजिए। जय भीम, जय टीपू सुल्तान।